Piece of heart, 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 piece of heart, 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 heart. तो भी सुनाता हूँ, मैं एक जगह क्रिकेट मैच खेलने गया था, हम लोग अभी रमज़ान में हफ्ता भरानी बात है, तो मैं पीछे कीपर बना हुआ था और वो एक बॉय था, जो कहता यार आप किसी की तरह लगते हो ना, तो मैं बोला यार पता नहीं, मुझे नहीं पता, इतनी चला यार तुम हसन रहीम की तरह लगते हो, मैंने कहा हाँ मुझे सब यही कहते हैं, पर पूरा मैच वो समझता रहा कि मैं लगता हूँ हसन रहीम की तरह, और फिर वो बोलता रहा बीच में यार तुम्हारी आवाज़ उससे बेहतर है हमने फिर ये भी मुझे कहते हैं लोग कैप्ट ऑन गोइंग, फिर उसके एंड में मैंने बताया ब्रो मैं ही हसन रहीम हूँ, उसने बोला नहीं नहीं यार फिट है ब्रो का मसला नहीं, चल गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक सो बहुत से लोग पूछना चाहते होंगे वो है जूना का मतलब क्या है? इसका मतलब डियर है, मतलब इट्स कैन यू कैन रेफर टू इट एज माय जान, माय डियर, माय बिलव्ड, राइट? इट्स जस्ट लाइक अ वर्जन ऑफ दैट। आपके सॉन्ग्स जो टाइटल होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, कलेजी, पीनट बटर, क्या सोच के रखते हैं? आई थिंक कुछ सोच के नहीं रखता, तभी इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड आपके सॉन्ग्स के जो इवन लिरिक्स होते हैं ना वो बड़े मज़ेदार से होते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट जो हम यूजली सुनते हैं म्यूज़िक, क्या लिरिक्स लिखते वक्त क्या आप सोच रहे होते हैं? एक तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मैं खुद इस वक्त क्या बोलूँगा एज ए लेमैन लाइक अपनी उर्दू ज़बान में, बट देन एट द एंड ऑफ द डे कभी कभार इट्स सर्टनली बाइलिंगुअल, कहीं मैं इंग्लिश को उर्दू से मिक्स कर रहा होता हूँ, दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग, मैं जब दो ज़बानें मिक्स कर रहा होता हूँ और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर वही वर्ड्स यूज़ हों जो फिर लोगों को समझ भी आती है और लोग बोलते भी हैं, तो इतना बस वही अपने नॉर्मल स्टेट में बैठ के कि यार मैं खुद अगर होता तो कैसे बात करता या अगला बंदा इस जगह क्या बोलता, और कभी कभार किसी ने कुछ बोला ही होता तो मैं लिख रहा होता हूँ, तो उधर से आइडिया आ रहा होता है। आपका सिंगिंग स्टाइल जो लोग उसमें बड़ा कहते हैं इस पे आई डोंट नो क्रिटिसाइज हुआ भी है या नहीं, होता रहता है, बहुत डिफरेंट है, मुझे खुद भी अजीब से लगता है पता कभी कभी, मतलब मैं खुद सुन रहा होता हूँ और तुम्हारी क्या किया मैंने, लोग क्रिटिसाइज करते तो आप कैसे लेते हैं उनको और क्या क्या सोचते क्या हैं आपके पास कोई टिप्स है, क्योंकि मैंने तो इग्नोर करना शुरू कर दिया बिल्कुल, आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट। आपने बाय प्रोफेशन MBBS किया है, सो यू परसू अ डिफरेंट करियर, कैसे ख्याल आया कि इसको ब्रेक देते हैं और इसको फिलहाल लेके आगे चलते हैं? क्योंकि आई फील लाइक बस हालात आपने मुल्क के देखे ना कैसे चल रहे हैं मैं क्या बोलूँ आपको, क्योंकि देखे ना आपको लगता है डॉक्टरी में पैसा नहीं है ज़्यादा तो म्यूजिक में पैसा ज़्यादा, इनिशियली तो ऑब्वियसली नहीं था, तो मुझे घर को भी देखना था, सब देखना होता आपको, तो जहाँ से बैग आ रहा है बैग भर रहा है वो सही है फॉर द टाइम भी, और फिर इंशाल्लाह बाद में मेडिसिन करनी है, परसू करनी है, पढ़ाई मैंने पढ़ाई की है, डॉक्टर बनाऊँ, Can't let it go to waste like that. घर वालों का रिएक्शन क्या था? आपने कहा मेडिसिन कर तो नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लेने दे। घर वाले सपोर्टिव हैं, घर वाले नहीं करते तो मैं नहीं कर रहा होता। आपने जो गैदरिंग है फैमिली है उन्होंने कैसे लिया कि हसन जो है सिंगर बन गए वही मेडिकल छोड़? कुछ नहीं कहते अब, पहले कहते थे, अभी मैं एक और फनी है, मतलब मैं बैठा हुआ था सारे सर, अभी मैं गिलगित गया था पिछले महीने, तो छोटे से एक बच्चा आया कोई 3 साल का, उसके भी माँ बाप थे, मेरा रिलेटिव था, तो उसने मुझे आके बोला आपने डिसाइड किया था आप बड़े होकर सिंगर बनेंगे, मैंने कहा नहीं, तो कहता है मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं डॉक्टर और सिंगर बन रहा हूँ, तो मैंने उनकी अम्मा अब्बा की तरफ देखा और वो बस ऊपर नीचे देख रहे थे, उन्होंने मना नहीं किया उसका, मैंने कहा फिट है अगर कुछ और होता ना या अभी एकदम रोक लेते इसको। डू यू थिंक आपने एक एग्जांपल भी सेट किया है कि आप अपने करियर, प्रोफेशनल करियर के साथ अपने जो पैशन है उसको भी लेके चल सकते हो आगे? बिल्कुल, ये तो मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन इसी तरह की ली थी कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी में कि वो 2-3 काम इस तरह के कर रहे थे और वो 2-3 काम बड़े दिल लगा के कर रहे थे, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, व्हाई कैन्ट दिस हैपन। आपके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक कॉलेज गोइंग लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, यूनिवर्सिटी के, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्या आपको लगता है यही रीज़न है आपके सॉन्ग्स के जो लिरिक्स हैं आप उनको सोच के या यंग जनरेशन को सोच के लिखते भी हैं? एज सच अभी बड़ी लकीली उनके साथ कनेक्शन भी हुआ है, मैं यही सोचूंगा, मैं इतना नहीं सोच रहा होता कि मैं अभी गाना लिख रहा हूँ तो किसके साथ क्या कनेक्ट करेगा, इन अ वे, बट देन अगर आप सोचें तो दैट इज़ वाई आई फील लाइक नई सोच की थोड़ी सी डाइवर्सिटी आई है फैंस में, मतलब बिल्कुल कॉलेज गोइंग भी नहीं है, कुछ बड़े भी हैं, कुछ थोड़े से बहुत छोटे भी हैं,
आई कैड सी लाइक पीपल सेंडिंग मी लाइक दो तीन साल के बच्चे भी मुझे लाइक एंजॉय कर रहे हैं. ऑब्वियसली उनको कुछ समझ नहीं आ रहा बट म्यूजिकली वो बड़ा कोक स्टूडियो पहुंचे हैं जहां पीछे हट आपका बिल्कुल. डू यू थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर का जहां आपको पीछे हट मिला और उसका फिर जो सक्सेस लेवल था? अब बिल्कुल टर्निंग पॉइंट बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं करियर में, दैट इज़ वन ऑफ देम आई फील लाइक. और आई प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा था, एक हिस्ट्री थी प्लेटफॉर्म की पाकिस्तानी म्यूज़िक के साथ. और आप एक जाके गाना प्रेजेंट कर रहे हो, अपना एक रोल प्ले कर रहे हो, तो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के आई थिंक किया. And I think it just did wonders. हर जगह Marvel पे, काफी जगहों पे आया. That was like the best thing. हर कोई सुन रहा था. Exactly. मेरा यही था कि OST Marvel का भी उस series में भी use किया गया. Exactly. So how do you feel like के? But that was amazing. That was people started telling me के यार आपका गाना है Miss Marvel में. I couldn't believe at the like पहले शुरू में, but then I like went on and searched it up. और असल में Marvel में आया था. फिर मैंने बैठ के episode देखा और end में लाया था उन लोगों ने. It was fun. लेट्स डिस्कस आपके कॉन्सर्ट्स. अभी कुछ पास्ट टाइम में मैंने देखा है आप कॉन्सर्ट्स करना शुरू हुए हैं. आपको याद होगा आपने जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया होगा अपने फैंस से, हाउ इट फील्स लाइक जब और वो फैंस जो आप सुनते हैं आपके सामने खड़े हों? वो भी यही सुनने आते हैं यार मैं आर्टिस्ट को लाइव सुनूँ, तब से मैं सुन रहा हूँ इनको. और मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं कब से लोग घर पर बैठ के स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं, आके लाइव सुने. तो आई थिंक वो बहुत डिफरेंट मज़े की है. इट्स आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. कुछ कॉन्सर्ट्स देखे हैं उसमें मैंने जो विजुअलाइजेशन देखी है बैक स्टेज पे ना, इट्स टोटली डिफरेंट जो हम आमतौर पे अपने कॉन्सर्ट्स में नहीं देखने को मिलती स्टेज वगैरह. आपने कुछ इनपुट दी थी? हाँ मतलब मैंने जनरली इट वाज फतवा स्टूडियोज, तो मेरे पेयर्स मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला और शम्स और फतवा चलाते हैं, तो उनके ज़्यादातर विजुअलाइजेस के आइडियाज़ थे. बट माय आइडियाज़ वर ऑलवेज ओपन ऑन द टेबल. और अगर उनके विजुअलाइज में मैं कुछ भी बोलता था लाइक केस में ये कर दे तो मेरी बात. बट इट वॉज जनरली द क्रिएटिव साइड ऑफ इट वॉज होल फतवा. मुझे जब मैसेजेस में लोगों के पढ़े, कुछ लोगों ने बोला कि हमारे एक किसी ने बोला कि मेरा पहला कॉन्सर्ट था और ये मेरा दुनिया का बेस्ट कॉन्सर्ट था पाकिस्तान का. और इसी तरह के मुझे मैसेजेस आए कि दिस द बेस्ट कॉन्सर्ट आई हैव एवर बीन टू इन पाकिस्तान. तो इस तरह के मैसेजेस देखे तो आई थिंक हाफ ऑफ द सारा जो प्रेशर था वो तो उतर ही गया. आपको पाकिस्तानी इंडस्ट्री में या ओवरऑल जो जितने भी सिंगर्स हैं कौन जो आपको इंस्पायर जिसने किया हो? वाइटल साइंस, नूरी, जुनून, ये सारे बैंड्स के हमेशा से गाने अच्छे लगे. और फाखिर सुनता था मैं जब बात है. और आई फील लाइक दैट्स अबाउट इट. लास्ट में मैं आपसे अपनी ही एल्बम का पूछती हूँ, आपके कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है पीनट बटर. दिल बे मुदा तेरी किस सदा पे था मैं फना हाँ. दिल बे मुदा तेरी किस सदा पे था मैं फना दिल बे मुदा तेरी किस सदा पे था मैं फना हाँ. अब हम जुदा इस जुदाई मैं फना दिल बे मुदा तेरी किस सदा पे था मैं फना.